हाय एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वन सेकंड, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ स्पीति सीरीज। तो दोस्तों अभी हम हैं किन्नौर में और किन्नौर में अभी मैं खड़ी हुई हूँ रेकोंग पियो में। तो दोस्तों रेकोंग पियो में हार्डली कुछ 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद पड़ता है ये कोठी टेम्पल। ये बेसिकली कोठी टेम्पल इसलिए बिकॉज ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे काफी सारे टेम्पल्स है। यहाँ पे भैरव जी का भी टेम्पल है, यहाँ पे दुर्गा माता है, चंडिका देवी का भी टेम्पल है। तो ये एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे रेकोंग पियो में किन्नौर में, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। साथ में अंदर एक कुंड है जिसको पांडव कुंड भी कहा जाता है। तो फिर ये काफी नोन प्लेस है और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आ रहे रेकोंग पियो में तो आप यहाँ पर आके जरूर विजिट करिए। इसके साथ साथ हमने लास्ट वॉक में दिखाया था यहाँ पे बहुत ही फेमस बुद्धा मॉनेस्ट्री है, जहाँ पे आप लॉर्ड बुद्धा स्टैचू ऑफ किन्नौर भी देख सकते हैं, जो कि दूर से दिखता है लेकिन आप वहाँ पे पास में आके देख सकते हैं। तो उसका लिंक आई बटन में आप डेफिनेटली चेकआउट करिए या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ऐसी हमारी पूरी चीज के साथ बने रहिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर कोठी टेम्पल में और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कोठी टेम्पल में क्या क्या चीजें अंदर एक्सप्लोर करने लायक देखने लायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग यहाँ से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर कोठी टेम्पल के और यहाँ से 550 मीटर की दूरी पर है यहाँ पे सारे टेम्पल्स। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पे गेट बना रखा है, कैसे कार्विंग्स कर रखी है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करा कि यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं उनकी कार्विंग्स और नक्काशियाँ बहुत ही सुंदर और इंट्रिकेट है, तो देखने में बिल्कुल मजा आ जाता है इन सबको। और दोस्तों ये है यहाँ पे किन्नौरी एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स और आप देख सकते हैं अभी तो ये अनराइप है बट सितंबर अक्टूबर में जाके पूरे राइप होंगे। और इनकी पहचान ही होती है कि एक साइड से हरे होते हैं और एक साइड से लाल होते हैं और थोड़े टाइम बाद बिल्कुल लाल हो जाते हैं रस के लिए। वाओ, इसी इन्होंने अपनी स्कूटी पार्क कर रखी है। सुंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स ऑफ किन्नौर और यहीं पर ही हम लोग पहुंच चुके हैं कोठी टेम्पल। दोस्तों यहाँ पे 7 बजे कपाट खुलने वाला है और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं देवता के दर्शन। ये है भैरव मंदिर और ये है यहाँ का कुंड जिसको पांडव कुंड भी कहा जाता है। की पेड़ की लकड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है और खुशबू ही अलग है ना इसकी, अलग अगरबत्ती से भी अच्छी खुशबू है। इसी से नक्काशी बनेगी सब मंदिरों की, पिलर बनेंगे है ना। तो पूरा देवदार की लकड़ियों से बना हुआ है। अंकल इसको पांडव कुंड क्यों बोला जाता है यहाँ पे? पांडव कुंड क्यों बोला जाता है इसको? इसको हाँ। आप देखेंगे ना इसको थोड़ा सा आजकल तो बंद है, हाँ, हमने देखा वैसे। बंद है ना, अगर गेट खुलेगा आप देखेंगे कम से कम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ इतना चौड़ा इतने लंबा, हाँ पत्थर है वो कोई उठा सकता है आजकल के हम लोग? कोई नहीं उठा सकते, वही भीम वो तो हमारे लोग ही उठा सकते हैं, तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया। भैरव मंदिर जो इनका वो साल में एक दफा और पूजा होता है। अच्छा, बलि बलि भी आती है? पहले बहुत होता था, पहले तो यहाँ नर बलि भी होता था लेकिन फिर उसके बाद ये भेड़ और बकरा ये पूरा लथपथ हो जाता। ये चंडिका जी का मंदिर है, ये इसके पीछे क्या कहानी है? चंडिका जी का मंदिर है? चंडिका जी का मंदिर तो ऐसा है ना, आप देखेंगे शुंभ निशुंभ करके जो दो राक्षसों का वो कहानी है ना, वो यही है एरिया। अच्छा, शुंभ निशुंभ की कहानी यही है। तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर नारी का रूप है,
अच्छा, और यहाँ से नीचे पुरुष का रूप है, क्योंकि उनको ये दोनों जो राक्षस थे दोनों को वर मिला था ना कि मैं किसी स्त्री या पुरुष या किसी से भी नहीं मरू। तो जब देखा तो अब इसके लिए यही है कि दोनों रूप को एक करके ये आप देखेंगे ये चीनी में मिलेगा, अब नहीं है वो पंचकी, वो पंचकी अब नहीं है। पंचकी में ऐसा है ना, उनको देखते हुए सुनने सुनने उनका पीछा किया चंडिका जी का, ये तो इतने खूबसूरत है हाँ, और काफी लालच भी दिया कि तुम हमारे से शादी करो, हम तुमको किसी चीज करो। तो उन्होंने यहाँ तक लाया है वो पंचकी तक, पंचकी तक लाने के बाद इनकी जो बहन थी दोनों की बहन हाँ घंटी करके उनका नाम है, तो उनको इतना सा तिल दिया पीसने के लिए उस अच्छा, पंचकी में पीसने के लिए, तो उनको कहा कि अगर तुम हमारा मदद करोगे, माँ ने कहा कि हमारा मदद करोगे हमारा कहना मानोगी तो हम तुम्हें आजीवन अपने चरणों में जगा देंगे। और आप देखेंगे माँ के जो रूप है नीचे एक काला सा वो है मूर्ति है, और साल में एक महीना उनको बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं, और इतना खतरनाक ये वो जो एक महीना होता है उस समय हम लोग जो है तो अंधेरा होने से पहले सब लोग घरों में हाँ कौन सा महीना होता है साल में साल में वही उनके ओपन किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है, हाँ उनको छोड़ा जाता है, और आगे से वो हाँ घंटे करके जो उनकी बहन है और पीछे से शेर के ऊपर सवार होकर के माँ खुद रहती है, और जिनको बचाना होता है माँ उनको थप्पड़ मार करके धक्का दे करके उससे उसको ये कहा है कि तुम सीधा चलो, सीधे में जो भी मिले तो वो उसका पान खाना खा सकते हो, लेकिन इधर बायां बायां देखना मना है। इस तरीके का ये वो जो सुन निशुन का वो जो मैंने बताया ना बहन तो जो इतना सा तिल दिया, तो यहाँ जो भी होता है ना वो तिल देती है। अच्छा वही वाले हाँ तिल प्रसाद करो, प्रसाद के रूप में नहीं, अगर आपने कोई प्रश्न पूछा प्रश्न पूछ करके उसका वो ठीक से वो नहीं निकल रहा है, वो ऐसा उठा करके उनका जो होता है वो तिल उसमें दो ठीक नहीं है तीन पांच ऐसे सही है, तो इस तरीके के तिल वो तिल जब उनको दिया गया बहन को, तो ये दोनों आए वहां पर उनको ढूंढते हुए चंडिका जी को ढूंढते हुए आए वहाँ, तो कहा कि बहन तू क्या कर रही है यहाँ पर, क्या कर रहा हम तो तिल पीस रहे हैं, अच्छा तू छोड़ तू दूसरा काम कर हम पीसते हैं। तो माँ ने कहा था कि माँ ने उसने पूछा कि जब ये इतना सा तिल खत्म होगा तो क्या करूँ मैं क्या करूँगी, तो उनको कहा कि तुम अपना ये जो उस समय ये राजा महाराजा मतलब राक्षस ये अपना चोटी रखते थे ना बड़ी बड़ी चोटी, तो उसको लगा देना उसमें हाँ किसमें चक्की में, तो चक्की में तो लोहे का होता है ना उसमें फंस गया और फंसने के बाद क्या हुआ उन्होंने काटा हाँ दूसरा सिर निकला तीसरा काटा फिर चौथा निकल गया, तो उधर से देखे किन्नर कैलाश देखे ना शिव जी का देखे ना, तो इन्होंने देखा कि बहन तो यहाँ पर इस तरीके के उसमें कौन से लथपथ ये वो जो पंचकी के अंदर, तो उन्होंने क्या किया दोड़ू ये जो लेडीज पहनते है ना ये पूरा ड्रेस उन्होंने वो पंचकी का जो एक छोटा सा खिड़की होता है उसके अंदर कि आप इसको पहनो और
आप जितना काटेंगे उतना सिर निकलेगा वहाँ देखो। तो हमारे जो चार कोना होता है ना, चार कोना में जो दाहिने तरफ होता है उस दाहिने कोने में हम लोग पूजा का बनाते हैं, तो वहाँ भौंरा था। अच्छा, भौंरा भौंरा। तो कहा कि वहाँ इसको जितना करोगे ये कटेगा नहीं और निकलते जाएगा, उसको मारो। तो जैसा ही उन्होंने उसको वार किया तो दोनों खत्म। भौंरा के अंदर पहले तो लोगों का प्राण नाभि में था, इस तरीके की शरीर लोगों का वो रहता था। जैसे ये अभी माँ बोलती है तो वो आपको कैसे पता चला, वो कुछ देते हैं जैसे? नहीं, वहाँ देखो आपको कोई प्रश्न हो ना, लेकिन यहाँ समस्या ये है, पहले तो हर संडे होता था, अब महीने में एक बार, हाँ कभी कभी दो बार भी होता है, 15 तारीख और 30 तारीख को, और इतना भीड़ होता है, पहले तो हर संडे होता, अभी तो कम है, दिन में तो पूरा बराबर। अच्छा, अभी जैसे ये लोग ये सब प्रश्न पूछने वाले तो अंकल कैसे प्रश्न हम लोग दर्शन करते हैं इसके बाद का सर? अंकल आप प्रश्न कैसे पूछते हैं जाके, अंदर जाके प्रश्न कैसे पूछते हैं? नहीं, अब वो बैठने के बाद ना जब बैठी हुई है आप दर्शन कर सकते, प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसके लिए एक दिन पहले से हाँ वो लिस्ट में नाम देना पड़ता है। ठीक है, फिर आप अंदर गए, फिर आप अंदर गए उसके बाद फिर नहीं पूरा फैमिली वही वो नहीं। फिर अंकल जैसे आपने लिस्ट में नाम लिख दिया, आप अंदर गए, फिर आपने प्रश्न कैसे पूछा? प्रश्न तो हम जो मोतमी होता है ना इन लोगों का, पूछने वाले माँ का, पूछने वाले द्वारा वो किया हुआ है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, उनको बोलना पड़ता है थोड़ा सा कि हमारा ये समस्या है या ये प्रश्न पूछना है, तो वो पूछते हैं। अगर उनको ना करना है तो आपको इधर उधर पटका करके, और जो 6 आदमी 7 आदमी जो पकड़े हुए होते हैं ना, काबू नहीं हो पाते, शक्ति आ जाती है। और जब उनको एक्सेप्ट करना हो तो आपकी तरफ सिर झुकाएगी आपके तरफ। सो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अंकल जी हमारे को पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ के किन्नौरी कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर पे प्रोफेसर हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे को इस पूरे कोठी टेंपल के बारे में बताया, इसकी महत्वता और साथ में ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किन्नौरी लोगों के लिए, वो भी हमारे को बहुत अच्छे से बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर अंकल जी, ताकि उन्होंने हमारे को इतना टाइम दिया और हमारे को इतना डिटेल में इस पूरे जगह की स्टोरी और हिस्ट्री बताए। दोस्तों, माना जाता है कि वहाँ पे उस पहाड़ पे नमक का पानी है, नमक का चश्मे शाही है, और वो पांडवों के टाइम का बना हुआ है वहाँ पर। तो मतलब ये भी हमारे को यहाँ पे एक लोकलाइट जो अंकल मिले थे उनसे ही पता करके पता चला। और यहाँ पे पहले जो लोग थे उनको तिब्बत से नमक लाना पड़ता था, तो जब पांडव लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर ये चश्मे शाही जो चश्मे शाही है उन्होंने यहाँ पर उसका निर्माण करवाया, और तब से यहाँ पे जो चश्मे शाही जो इनका जो खुद नेचुरली है वो यहाँ पे नमक का है। और बाकी हर जगह पे अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे, कुंड का पानी, भैरव कुंड का पानी, पांडव कुंड का पानी, वो सब के सब पानी जितने भी है सबके सब नॉर्मल मिनरल वाटर से भी ज़्यादा मीठे है, लेकिन बस उधर का जो पानी है वो नमक वाला है। इवन आप देख भी सकते हैं ये सारे पहाड़ में और इस पहाड़ में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल वाइट सा दिख रहा है और ये सारे पहाड़ थोड़े से डल से हैं और ऊपर बर्फ है, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो पहाड़ है काफी फेमस है। छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए नीचे जा रहे हैं बाजार की तरफ, बाजार की तरफ बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसा रास्ता और ये डायरेक्टली हमारे को कोठी मंदिर से पहुंचा देगा, पहाड़ी से उतरते उतरते कहाँ पहुंचाएगा हमें? मेन बाजार। पूरे जंगलों के बीच से है ये रास्ता, मजा आ रहा है बहुत।
क्या ढूंढ रहे हो? सेब नहीं मिल रहे, अभी सितंबर अक्टूबर मिलेंगे। ये है कुछ रास्ता किन्नौर के जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पार कर रहे हैं। ये हमारे को एक शॉर्टकट मिल गया जो कि डायरेक्टली कोडी टेम्पल ले जा रहा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे क्या रास्ते हैं यार। ऐसे ऐसे शॉर्टकट यहाँ पे जो भी यहाँ पे किन्नौर के लोकल लोग हैं ना, उन लोगों ने बना रखे हैं, तो ये रास्ते ना इवन पता भी नहीं लगते हैं। और हमारे को तो एक लोकल आंटी आ रही थी, तो पापा मम्मी ने पूछ लिया कि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो उन्हें बोला मेन बाजार से। हमने मतलब यहाँ का किन्नौर का मेन बाजार, तो हमारे को भी किन्नौर के मेन बाजार में जाना था जो कि रिकॉन्ग भी होता है, और तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे इसी रास्तों पे ऐसे घर भी बने रखे हैं, तो लोग यहाँ पे ये सब शॉर्टकट से रास्ते हैं ना, ये सारे शॉर्टकट जो रास्ते हैं इन्हीं से ही लोग आते जाते हैं। और तभी मैं सोचू मतलब हम लोग जितना हम लोग एक गाड़ी से आएंगे उतने में तो ये लोग पहुंच भी जाते फटाफट। और देखिए यहाँ पे सारी ऐसे लकड़ियाँ हैं ना, ये सारी लकड़ियाँ ये लोग ठंड के लिए बटोर रहे हैं, और अभी तो ये सूखी हैं, बट इनको कुछ दिन बाद इनको शेड होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे से शेड्स होते हैं लकड़ियों के बने हुए, उसमें ना ये लोग शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जब भी जैसे कि ठंड पड़ती है तो फिर लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो उस टाइम पे गीली लकड़ियों से इनको खाना नहीं बनाया जाता, और सब लोगों के घर में गैस भी नहीं है, तो तब ये लकड़ियाँ काफ़ी काम आती हैं यहाँ पर। और फिर ये सारी लकड़ी मतलब 6 महीने अगर यहाँ पे 6 महीने तो नहीं, हार्डली 2-3 महीने यहाँ पे समर्स होते हैं, तो 2-3 महीने जो समर्स होते हैं ना उसमें यहाँ पे लोग जनरली चीज़ें बटोरते हैं अपने, ठंड का सारी तैयारियाँ करते हैं, और ठंड में फिर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। चलो पापा, तो पापा भी सेब खिलाते हुए खा लिया सेब। ओ क्या बात है, सुंदर सी। और ये मम्मी आशीष ऑलरेडी आके पहुंच चुके हैं, और देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे घर है, एक घर तो यहाँ पे नॉर्मल से ही है, बट शेड्स इनके जनरली टीन के होते हैं। पापा उतरने के लिए तो सही था, लेकिन चढ़ते वक्त है ना बैंड बज जाएगी। कम से कम कितनी सीढ़ियाँ आपको लग रही होंगी? कितनी? 500-700 होगी। 500-700 सीढ़ियाँ हैं जो डायरेक्टली नीचे पहुंचा रही हैं। उतर तो सकते हैं, चढ़ नहीं सकते। नहीं हाँ हाँ सही कहा, उतर सकते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम तो बैंड बज जाएगी। और नीचे लेकिन यहाँ के लोग ना कुछ काफी प्योर चीजें खाते हैं, और चीजों के साथ साथ है ना यहाँ पे लोग जो नेचुरली जो उगते हैं ना उगाते भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे ये सारे एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, तो जब यहाँ पे लोग खुद अपना उगाएंगे खाएंगे, तो जब नेचुरली ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे तो उनमें उतना ना पावर भी होता है। हम जैसे लोग नहीं खाते हैं। हाँ हमने वही देखा, देसी घी काफी खाते हैं, देसी घी बहुत खाते हैं कि जिससे उसको ताकत मिले। ओवरऑल मतलब हम लोग उस दिन हम लोग ढाबा में बैठे हुए थे, हिमगिरी ढाबा जो कि गाइस हमारे होटल के पास में ही है, और आपने हमारे लास्ट व्लॉग्स में भी देखा होगा, तो वहाँ पर भी हर एक चीज में घी डला हुआ है। दाल खाए तो हमने दाल में घी, कड़ी खाए कड़ी, सब्जी में भी घी। हाँ घी नहीं तो बटर, बटर मैंने देखा कम खाते हैं, बटर कम घी ज्यादा, घी ज्यादा खाते हैं। और बाकी हमारे को कितने हो गए बाबा, 5 मिनट हो गए चलते हुए, 5 मिनट हमारे को चलते हो गए, 5-10 मिनट चलते हुए 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर रनम निकल गए। तो वहाँ पे हमारे को 5 मिनट हो गए चलते हुए, और अभी 5 मिनट और बाकी है ना। एक अपकमिंग सब्सक्राइबर जो कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, यहीं के रहने वाले किन्नौर के, क्या बात है, आपका घर है? नहीं नहीं मेरा घर नहीं, मेरा रूम। अच्छा ऊपर है, चलो ओके। तो ये आशीष थे, ये अपनी मार्केटिंग करते हुए कल्चर बॉक्स की, और मम्मी बिल्कुल शान से चलते हुए। ये लो ट्रॉफी ले लो, अच्छा 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 चौफी ले लो, चौफी ले लो, अच्छा 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 ये लो ट्रॉफी, बोलो थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, बाय।
सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेन मार्केट में अराउंड 10 मिनट्स के वॉक के बाद, और अब हम नीचे चलते हैं। क्या शॉर्टकट निकला है डायरेक्टली मेन मार्केट में और प्रेकॉन्ग पे हो। भाई अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया रसमलाई, तो टेस्ट करते हैं कैसा है। ओ भाई बढ़िया, अति उत्तम है भाई, अति उत्तम ओरिजिनल रसमलाई, मजे आ गए। सो गाइस हमने यहाँ पे रोटियाँ मंगवाई हैं और फिर कढ़ाई पनीर, और साथ में थाली मंगवाई है। थाली में ये 100 रुपीज़ की थाली है, बट काफ़ी टेस्टी लग रही है। ये सब्जी दाल कड़ी विथ राइस और चपाती मिलता है, और यहाँ पे हमारे को कढ़ाई पनीर बटर रोटी हमारी आ गई, तो हम ये खाते हैं। खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, और सुबह से थोड़ा सा हम भी बहुत भूखे हैं, तो फिर लेट्स ईट और देखते कैसा रहता है। तो आज का फीडबैक वैसे मम्मी देगी, मम्मी बताओ कैसा है, जैसा आप बना लो कढ़ाई पनीर वैसा या अच्छा? ठीक है, अच्छा है वैसे, थोड़ा सा हल्का तो ऑयली ज़्यादा है, बट मसाले बिल्कुल अच्छे हैं, पंजाबी स्टाइल में लग रहा है ना। और इनकी दाल टेस्ट करते हैं, मुझे दाल काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको निकाली इवन गाड़ी भी है। दाल काफी सही है, मेरे को लग रहा है एक थाली और मंगवानी पड़ेगी। ये थाली पापा ने मंगवाई थी, और जनरली मैं बताऊँ ना, ये इससे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँ ऑल इन ऑल खाना 10 out of 9 है, अच्छा है और बहुत पौष्टिक भी है और टेस्ट भी काफी अच्छा है। सो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने रेकोंगपो को एक्सप्लोर करा, और हमने आपको दिखाया कोठी टेंपल, साथ में हमने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था यहाँ का फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और साथ में आपने इस व्लॉग में ये भी देखा यहाँ का कोठी टेंपल के साथ साथ यहाँ का रेकोंगपो मार्केट, और यहाँ पर आप कहाँ पर आके अच्छा खाना नॉर्थ इंडियन खाना खा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट, और हमारे को ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेकोंगपो की मार्केट और किन्नौर कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार।